हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आपका स्वागत है मेरे रश्मि ओपी सिल्क के चैनल में। तो गाइस, शाम को बज गए हैं 6:30, 7 बजने वाले हैं। तो गाइस, मैंने सोचा आज ब्लॉग बना लेती हूँ, आपसे बात कर लेती हूँ। तो आपसे बात करने के लिए ही मैंने ब्लॉग बनाया है, बना रही हूँ। एक सेकेंड। तो गाइस, बारिश सुबह से रुक नहीं रही है, पड़ी रही है, सुबह से बरस ही रहा है मौसम। ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है। आपकी उधर कैसी बारिश है? आपका उधर मौसम कैसा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में प्यारा से कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो गाइस, जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मतलब मेरी फैमिली जो मुझसे प्यार करते हैं, सभी से मैं से एक ही बात कहना चाहूँगी। ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगी, छोटी बात बोलूंगी। आप लोग आप बोलोगे कैसे ऐसे टॉपिक बोल दिया ये। तो गाइस, आज की डेट में ना कोई भी हो, कोई भी, ठीक है, मदद करना बेकार है। ठीक है, तो गाइस आज है ना, 3 साल बाद मेरा भाई आया था लौट के वापस। ठीक है, मैंने सोचा था चलो ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा, क्या पता बढ़िया हो जाए, ठीक सुधर गया है, क्या पता अब तो अहमियत हमारी समझने लग जाएगा। ठीक है, बाप नहीं है तो चलो ये तो समझेगा, मम्मी तो मैंने उसी के पास पहुंचा दी है। भाई ने मेरा आज कमरा खाली कर दिया वहाँ से, सोचना गाइस। ठीक है, तकलीफ होती है ये, मुझे तकलीफ नहीं है, जहाँ भी रहे खुश रहे, ठीक है, जहाँ रहे सही रहे। बुआ से कह के मैंने रूम चेंज करवा दिया था, मतलब बुआ से कह के जहाँ उसने पहले रूम लिया था, मैंने कहा बुआ घर के पास रहेगा तो मम्मी की भी थोड़ी, मम्मी पर भी बुआ थोड़ी नज़र रखेगी, सही रहेगा। ठीक है, ये काम पे जाएगा तो बच्चे घर पे अकेले रहेंगे, बुआ है बड़ी, बूढ़ी है, बड़ी है तो वो जाके अपना देखती रहेगी कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं, मम्मी का भी थोड़ा ध्यान रखेगी। तो मुझे है ना वो था कि चलो ठीक है, पास में रहेगी तो मुझे भी पता चलता रहेगा। आज उसने कमरा खाली कर दिया, मुझसे एक बार भी ये नहीं कहा कि बहन मैंने वहाँ से कमरा खाली कर दिया है। ठीक है, रीज़न तो मुझे बता दिया उसने कि रेंट सस्ता है इसलिए। ठीक है, चलो रेंट सस्ता था या नहीं था वो मुझे नहीं पता, कब उसने कमरा देखा कब नहीं देखा। वो तो अचानक है ना रात को इन्होंने फ़ोन करा सिलेंडर के लिए कि भाई मम्मी सिलेंडर मांग रही है, सिलेंडर दे दे। तो अपने जीजा से बोलता है कि ठीक है जीजू आप आ जाना, मैं कब रूम खाली कर रहा हूँ तो मुझे पता चला। ये ब्लॉग देख रहा हो तो देखता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर समझदार होगा समझ जाएगा, ना समझ होगा तो देख के भड़केगा। ठीक है, क्योंकि उसे समझ में कुछ आता नहीं है, उसे वो समझ में आता है जो उसकी समझ में आए, हम तो बेवकूफ़ हैं। तो मैं ये था कि चलो ठीक है पास में रहेगा, बाई चांस वो काम पे दुख तकलीफ है तो बुआ फूफा है ही, ठीक है वो देखते रहेंगे, तो मुझे ये सवाल था। बट वहाँ से लड़के ने कमरा खाली कर दिया और कमरा लिया कितनी दूर, बहुत दूर जाके पूछते थे। अब ऐसा है ना, कल मैंने अपनी भाभी श्री के पास फ़ोन किया, ठीक है मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं। मैंने अपने भाई के पास फ़ोन किया शाम को, मैंने कहा क्या तेरी बहू ने फ़ोन नहीं उठाया, क्या बोलता है, जरा मैं जाके बात कर लूँगा क्यों नहीं उठाया उसने फ़ोन, इसलिए नहीं उठाया। और मैं उसका वैसे ही दिमाग ख़राब है, मैंने क्यों ख़राब है भाई, मम्मी पुरानी पुरानी बातें उखाड़ती हैं, भाई सुनो बुजुर्ग है, मेरी भी सास है, ठीक है, बड़ा बूढ़ा बोलता है, बड़े बूढ़े का काम है, क्योंकि वो फिर ना पता वो बचपना हो जाता है, बड़ा बूढ़ा जो होता है ना वो बचपना हो जाता है, ताकि है ना वो उसको याद आती है अपने जवानी से लेकर बचपन तक की बातें याद आती है, दुख होता है हर इंसान को होता है। मेरी मम्मी का कूल्हा उस टाइम टूटा हुआ है, आँखों से उसे कम दिखाई देता है,
कान से उसको सुनाई नहीं देता। मेरे पास वो 7 साल रही है, बोलती रहती थी। मैं थोड़ा बहुत बोली, चुप हो गई, क्योंकि हमें पता है वो बड़ी बूढ़ी है तो उसका काम है बोलने का। बड़ा बूढ़ा देखो हर किसी घर में होगा ना, वो बोलेगा ही। ठीक है, तुम क्यों ध्यान देते हो इतना? अपना रोटी पानी उसका टाइम पे दो। तुम ना तो उससे बोलो फालतू में, अपना बोल बुला कर चुप हो जाएगी। बड़े बूढ़े में देखो कोई भी कमी नहीं निकालता। आज भी उसने एक बार मुझे फ़ोन नहीं करा कि बहन मैं यहाँ से कमरा खाली कर रहा हूँ। ठीक है, जब आया था मैंने चुपका चोरी से जैसे मेरे से मदद हुई मैंने की, अपने आदमी को भी नहीं बताया मैंने। ठीक है, बाद में बस मैंने उन्हें बताया। एक बार भी मेरे से जिक्र नहीं करा कि बहन मैं यहाँ से सामान मैंने उठा लिया है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तू आ जाइयो। मैं किसी के आने जाने की, घर की किसी की मैं भूखी नहीं हूँ। कोई मेरे घर आए, मुझे कोई बुलाए, ठीक है, मैं इतनी भूखी नहीं हूँ उसके खाने या पीने की कि मुझे वो बुलाएगा और मैं जाऊँगी। नहीं बोला उसने, कोई बात नहीं, टाइम आने पर जवाब मिलता ना, मैं टाइम आने पर जवाब दूँगी कि भाई तेरा एक समय ऐसा था, इतना बुरा था। ठीक है, मैं ही खड़ी हुई थी, मैं और बुआ आई वैस में अकड़ दिखाना ना दिखाना तो वो तो आदत है उसकी, उसको अकड़ दिखाना, दिखा ले मेरा क्या ले जाएगा। मिल के चलता, अच्छे से चलता तो बहुत कुछ हो सकता था। बेटा बन के हर किसी ने खाया, बाप बन के किसी ने नहीं खाया। उसको अकड़ रहती है। क्या हुआ अभी देखो, तो ये देखो बंदरी आई है मेरे घर पे। तो गाइस बस मुझे यही कहना था, अगर ये मेरा भाई ब्लॉग देख रहा है ना, तो बस एक बात कहूँगी कि सिवा जब तुझे मदद पड़ी ना, मैंने तुझे भाई साथ दिया तेरा। ठीक है, लेकिन आगे से भूल जियो। बस मेरा यही कहना था। गाइस मेरी कोई बात गलत लगी हो ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। बेटा बन के आना, उसने मैंने माँ की तरह उसका एक साथ दिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो गाइस ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैंने कुछ गलत नहीं बोला, अगर मेरा वीडियो वो देख रहा है ना तो कुछ गलत नहीं बोला मैंने, मुझे दुख हुआ आज। ठीक है, चल जहाँ भी तू रहे वहाँ खुश रहे, मुझे कोई वो नहीं है। ठीक है, चल बाय बाय।